तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि i3s कैसे काम करता है और i3s क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि i3s जो है आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। और i3s जो है हमारे क्लिच से काम करता है पूरा, ठीक है। इसके लिए आपकी बाइक में यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ होगा ऑन ऑफ का, ठीक है। तो ये बाइक को बंद करने का या फिर ऑन करने का नहीं है, ये है i3s वाला। आप यहाँ पे देखेंगे i3s भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अपनी तरफ यहाँ पे करके रखना है, ठीक है। और i3s के लिए ये लाइट है, ठीक है। जब i3s लगेगा तो ये लाइट जलेगी, वो मैं दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो i3s यहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसको ऑन करके रखना है और ये क्लिच से काम करेगा। बट ये काम कैसे करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये i3s खड़ी हुई बाइक में काम नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए क्या है कि आपको बाइक थोड़ा बहुत चलानी पड़ेगी। जब आपकी बाइक काफ़ी दूरी पर चल जाएगी और इंजन हीट हो जाएगा इसका, तब अपने आप में ये वाली लाइट जलने लगेगी, जैसे ही आप न्यूट्रल कंडीशन में कहीं पे बाइक को खड़ी कर लोगे, ठीक है। तो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली अब मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपने अपनी बाइक चला ली, मैं थोड़ा चला लेता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मैंने अपनी बाइक थोड़ी चला ली है, मैं चला रहा हूँ। और इसके बाद मैंने न्यूट्रल करके खड़ी कर दी है। चलाने के बाद न्यूट्रल करके खड़ी कर दी, आप देखेंगे लाइट जल गई है और अपने आप i3s में बाइक बंद हो गई है। देखिए, और लाइट जल रही है, इसका मतलब i3s में बाइक बंद है, ठीक है। तो अब जैसे ही हम क्लिच को दाबेंगे, देखिए जैसे ही हम क्लिच को दाबेंगे, अपने आप बाइक स्टार्ट हो जाएगी, देखिए बिना सेल्फ के। तो ये है i3s, ठीक है। इस तरीके से i3s आप भी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी बाइक को चला लीजिए, ठीक है। चलाने के बाद न्यूट्रल कंडीशन में खड़ी कर लीजिए, अपने आप i3s लग जाएगा। बट ध्यान ये रखना है कि ये ऑन ऑफ वाला बटन जो है, इसको चेक कर लीजिए कि ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। और क्लिच वगैरह को देख लीजिए, अगर आपकी नई बाइक है तो i3s ऑटोमेटिकली लग जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।